आपकी बोन्स जो होंगी वो टूटना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाएगा, बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर जो होगा वो कैल्शियम बाहर निकलेगा, बोन्स वीक होंगी और इसके इसके नतीजे में क्या आपकी ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी होता है, ठीक है। तो आपने कहना है इसके नतीजे में क्या आपका रेनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी होता है। क्यों रेनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी होता है? ओ भाई इस वजह से होता है क्योंकि एक तो विटामिन डी एक्टिव नहीं हो रहा, कैल्शियम आपकी हड्डियों को नहीं मिल रहा, नंबर दो आपका जो है वो जनाब आपका फास्फेट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर वैसे बढ़ रहा है, फास्फेट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर वैसे बढ़ रहा है, और जो बड़ा हुआ फास्फेट है वो आपकी कैल्शियम के लेवल को वैसे कम कर रहा है, तो कैल्शियम इसी तरह कम। नंबर थर्ड जो पैराथायराइड हार्मोन रही सी कसर वो को निकाल देता है, तो वो हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकालता है, जब हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकलेगा तो इसकी वजह से रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो जाएगी और इसकी वजह से बोन्स जो होंगी वो टूटेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जनाब सारे का सारा आपका कौन सा टॉपिक, आपका किडनी फेलियर का। अब मैं एक बार किडनी फेलियर को रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए, ठीक है। रेनल फेलियर, रेनल फेलियर आपकी किडनी का मेन काम होता है फिल्टर करना, है ना, फिल्टर करना। मतलब अगर हम ये देखते हैं कि ये आपका किडनी है, इसका मेन काम ये होता है कि यहाँ पर जनाब आपका एक तरह का ये ग्लोमेरुलस है, इधर पर जो ब्लड इसकी तरफ आता है उसको फिल्टर कर कर इसके नतीजे में फ्लूड को यहाँ लेकर आना, और इधर से फिर कहाँ लेकर आना, आपके यूरिन के अंदर लेकर आना, ठीक है, फिल्टर करना। लेकिन जब आपका रेनल फेलियर हो जाता है, क्रोनिक रेनल फेलियर हो जाता है, तब आपका एक तरह का फिल्ट्रेशन का काम नहीं होता। जब आपका फिल्ट्रेशन का काम नहीं होता तो इसके नतीजे में आपका जो फ्लूड होता है वो इधर से आपके यहाँ पर, यानी कि होम स्पेस के अंदर नहीं आता। जब आपका यहाँ पर नहीं आता तो आपका यूरिन जो होता है वो भी नहीं होता, यूरिन का लेवल कम बनता है, मतलब कि ठीक हो गया। और दूसरी बात आपने ये कहनी है कि फॉर एग्जाम्पल जब आपका यूरिन का लेवल कम बन रहा हो तो आपका किडनी का मेन काम ये होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करवाना। अब देखें जब यूरिन ही कम बन रहा है तो टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी से कम रिमूव हो रहे हैं, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर आपके टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा हो रहे हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटीमिया। क्या कहते हैं आपका? एजोटीमिया। और एजोटीमिया के अंदर क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन इनका लेवल भी होता है वो आपका एक तरह का बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन इनका लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। और जब किडनी फिर मुकम्मल तौर पर हो जाता है तो क्या होता है, वो भी अभी हम देखते हैं। देखें सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल नंबर वन आपका जब ये फिल्टर फ्लूड हो ही नहीं रहा तो इसके नतीजे में आपको पता है कि जो आपका सोडियम है और जो वाटर है वो भी इधर से फिल्टर नहीं हो रहा। जब सोडियम और वाटर भी इधर से फिल्टर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है सोडियम और वाटर भी आपके यूरिन के अंदर कम आ रहा है। जब ये सोडियम और वाटर भी आपके यूरिन के अंदर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम और वाटर आपकी बॉडी के अंदर अकामुलेट हो रहा है। जब ये सोडियम और वाटर आपकी बॉडी के अंदर अकामुलेट होता है तो ये जो करता है ये आपकी ब्लड भी, यानी कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है, ये करता है आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है, आपने ये कहना है, ठीक हो गया। नंबर टू आपने देखना है कि इसके अंदर क्या होता है। नंबर टू ये होता है कि देखिए आपका एक तरह का नॉर्मल, जब आपका किडनी डैमेज हो जाता है, जब आपका किडनी डैमेज हो गया है तो किडनी का मेन काम ये होता है कि जनाब आपका फिल्ट्रेशन का ज्यादा करना। तो अब इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके जो आयंस होंगे, आयंस का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। क्या होगा? आयंस का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। तो उनमें कौन से ऐसे आयंस जो मोस्ट होते हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है? उसमें होता है पोटाशियम, जिसका लेवल बढ़ जाता है। अब जब पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो इसको हम कहते होते हैं हाइपरकलीमिया। क्या कहते हैं आपका? हाइपरकलीमिया। और इसमें से एक होता है जिसका नाम होता है एच प्लस। एच प्लस जो होता है ये जहां पर भी होगा ये एसिड को शो करता है। अब ये आपकी बॉडी से रिमूव होना चाहिए, लेकिन जब आपका किडनी ही इसी तरह काम नहीं कर रहा तो एच प्लस आपकी बॉडी से रिमूव नहीं होगा, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा तो इस वजह से ये हाइपरकीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ब्लड प्रेशर हाई, ये तीन फीचर्स अभी हमने देख लिए। अब हम आते हैं नंबर फोर फीचर्स पर। देखिए जो आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जैसे ज्यादा होता है, जिसको हम यूरिमिया कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर लेकर जाते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि आपको नोजिया और एनोरेक्सिया होता है, नोजिया प्लस एनोरेक्सिया होता है, ठीक हो गया। इसकी वजह से जनाब आपका एक तरह का, आपने ये कहना है कि पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक हो गया। इसकी वजह से आपने ये बात करनी है कि आपको एक तरह का आस्ट्रेक्सिस हो सकती है, आस्ट्रेक्सिस होता है आपके एक तरह का फ्लैपिंग ट्रेमर। क्या होता है आपके? फ्लैपिंग ट्रेमर। और इसके अंदर क्या होता है, एक तरह की आपके हाथों की एक अबनॉर्मल मूवमेंट होती है, उसको हम कहते होते हैं। और इसमें आपके प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाता है। प्लेटलेट डिसफंक्शन से मुराद क्या होता है कि देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक ब्लड वेसल है, अगर ये ब्लड वेसल्स के अंदर आपके ब्लड के अंदर जो होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं जो यहाँ पर घूम रहे होते हैं,
अगर आपकी ये ब्लड वेसल यहाँ से इंजर्ड होती है तो ये प्लेटलेट्स इधर आया और दूसरा प्लेटलेट्स इधर आता है और यहाँ पर एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं ताकि ब्लड आपकी ब्लड वेसल से ज्यादा बाहर ना निकले। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा गौर करना है, जब आपको यूरिमिया हो जाता है तो जो प्लेटलेट्स होता है ये प्लेटलेट्स ये जिनाब और दूसरे प्लेटलेट्स आपस में स्टिक नहीं होते। जब ये दोनों आपस में स्टिक ही नहीं होंगे तो जिनाब आपका एक तरह का यहाँ पर क्लॉट नहीं बनेगा। जब यहाँ पर क्लॉट नहीं बनेगा तो यहाँ से ब्लड जो होगा वो बाहर निकलेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो ये आपने करना प्लेटलेट फंक्शन क्या ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे क्या देखते हैं। आगे आपने ये कहना है कि जैसे ही आपको यानी कि यूरिया नाइट्रोजन का ब्लड बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ता है तो ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है और एनसेफलाइटिस करवा देता है। एनसेफलाइटिस ठीक हो गया, और इसके बाद होता है बंदे को कोमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसकी वजह से जनाब आपको पता है कि देखें फॉर एग्जाम्पल जब आपकी बॉडी में ब्लड एक तरह का ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल जैसे कम होता है तो ये जनाब आपका आपकी किडनी की तरफ मैसेज आता है और किडनी से आपके हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है एरिथ्रो। और ये एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन होता है ये रिलीज होता है आपका एक तरह का पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन से आपके इंटरस्टिशियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, तो यहाँ से ये रिलीज होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स से। अब देखें एक बात को थोड़ा सा गौर करना है, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ये मैसेज आता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को रिलीज करवाता है, और उसके बाद ये जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है ये बोन मैरो से आर की तरफ पता इधर से आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, मेरी बात को गौर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे का किडनी डैमेज होगा, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होगा, जब आपका एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होगा तो आपका बोन मैरो की तरफ मैसेज ही नहीं आएगा, जब आपका बोन मैरो की तरफ मैसेज ही नहीं आएगा तो आपका आरबीसी बनेगा ही नहीं, जब आपका आरबीसी बनेगा ही नहीं तो आपका एक तरह का अनिमिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहना अनिमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने करनी है, मतलब कि क्या होगा, एक तरह का आपका अनिमिया होगा। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या काम होता है। देखिए एक तरह का आपकी एक और पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाती है। इसके बाद देखें कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल काम ही होता है कि अगर हम मैं बताऊं कि ये जनाब आपका किडनी है, किडनी के अंदर ये इस तरह होता है जनाब आपका एक तरह का ये वाला सीन होता है, और आपकी जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है यहाँ से जो फास्फेट होता है इसको रीअब्सॉर्ब नहीं होने देता, फास्फेट को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देता, ये यूरिन के अंदर जाता है और यहाँ से कैल्शियम को क्या करता है एक तरह का रीअब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मेरी बात को गौर करना, शाबाश। देखें फॉर एग्जाम्पल जब वो किडनी डैमेज हो जाएगा तो फास्फेट जो होगा जिसको रीअब्सॉर्ब नहीं होने देता था अब ये रीअब्सॉर्ब होगा, तो फास्फेट का लेवल जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जो कैल्शियम होगा ये जो रीअब्सॉर्ब होता था ये अब रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ये कहाँ जाएगा, यूरिन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर फास्फेट का लेवल ज्यादा हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर फास्फेट का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये बड़ा हुआ फास्फेट आपके कैल्शियम को इनएक्टिव करता है, क्या करता है, आपका इनएक्टिव कैल्शियम करता होता है। ठीक है, कैल्शियम जो होगा वो एक तरह के इनएक्टिव हो जाएगा, इसके नतीजे में आपका कैल्शियम का लेवल होगा एक तरह का कम हो जाएगा, एक कैल्शियम का लेवल एक इस तरह से कम होता है। अब हम आते हैं दूसरी तरह, देखें आपका जो विटामिन डी होता है वो एक्टिव होता है आपकी किडनी के अंदर। आपने कहना है कि विटामिन डी आया, ये विटामिन डी जो होता है ये एक्टिव होता है आपके किडनी के अंदर, किडनी के अंदर क्या होता है आपका एक तरह का एक्टिव होता है। थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो विटामिन डी को एक्टिव करता है यहाँ पर एक एंजाइम किडनी के अंदर होता है उसका नाम होता है 1-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ठीक है, और इस एंजाइम को जो काम करवा रहा होता है यहाँ पर आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। जस्ट इमेजिन करें फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किडनी डैमेज है तो 1-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम पैदा होगा, नहीं होगा। जब आपका 1-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम पैदा नहीं होगा तो आपका पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा से ज्यादा मैसेज देगा, लेकिन आपका सिंपल सी बात है आपका 1-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम पैदा नहीं हो रहा। जब ये पैदा नहीं हो रहा तो विटामिन डी एक्टिव नहीं हो रहा, तो जब विटामिन डी एक्टिव नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी जब कम एक्टिव होता है तो विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करना, लेकिन जब विटामिन डी ही एक्टिव नहीं हुआ तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका कैल्शियम और फास्फेट दोनों का लेवल को एक तरह का कम हो जाएगा, तो कैल्शियम का लेवल इस तरह भी कम होगा। ठीक है, कैल्शियम का लेवल एक तरह कम हुआ किडनी के अबनॉर्मल की वजह से, एक विटामिन डी के एक्टिव कम होने की वजह से। नंबर थर्ड देखें, अब आपका कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में वैसे ही कम है, जब आपकी बॉडी में वैसे ही कैल्शियम का लेवल कम है तो अब देखें आपका एक हार्मोन होता है जो कि जनाब आपके सीरम के उस वक्त एक्टिव होता है जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है और उसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन एक्टिव हुआ, ये पैराथायराइड हार्मोन जैसे एक्टिव होता है ये बोन्स के पास जाता है और बोन्स के अंदर से क्या करता है आपका कैल्शियम लेता है और कैल्शियम को बोन्स से निकालता है और कहाँ लेकर आता है आपके ब्लड के अंदर लेकर आता है। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बोन्स खोखली हो जाएंगी, जब बोन्स खोखली हो जाएंगी मतलब कि बोन्स टूटेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा और इसको हम कहते हैं ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी। ठीक है, अगर कॉजेस का पूछा जाए आपने कहना मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो डायबिटीज मेलिटस होता है, हाइपरटेंशन दूसरा, नंबर थर्ड ग्लोमेरुलर डिजीज। ठीक है, तो ये तो पूरे का आपका जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं जनाब आपका एक तरह का मतलब के रेनल फेलियर। इसके अंदर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, शाबाश। एनीवे